सीमेंट वुड छोले भटूरे। गुड़गांव नाम के गांव में गोकुल और रबड़ी देवी नाम के पति पत्नी सीमेंट के खिलौने बनाकर बेचते थे। गोकुल शराब पीकर पैसे बर्बाद करता था, लेकिन रबड़ी देवी पास ही रहकर कमाकर घर चलाती थी। एक दिन पंकज नाम का एक सरकारी अधिकारी कार में आया। क्यों बहन, ये सीमेंट शॉप आपका है या इसका कोई और मालिक है? मेरा ही है सर, बोलिए आपको क्या चाहिए? मैं गवर्नमेंट इंजीनियर हूँ। सरकार ने इस गांव के सब लोगों के लिए घर सैंक्शन किया है। उन घरों के लिए खिड़कियाँ, दहलीज, ऐसे सीमेंट के बहुत सारे चीजों की जरूरत पड़ेगी। क्या आप लोग बना के दे सकते हो? क्या बात करते हो सर, आप काम देंगे तो हम मना क्यों करेंगे, जरूर बना के देंगे सर। यूं बात कर ही रहे थे कि तभी उस गांव का सरपंच भोलेनाथ अपने आदमी केशव के साथ वहां पहुंचा। पंकज जी नमस्कार, आप हमारे घर नहीं आए, यहां क्या कर रहे हैं आप? कोई खास बात नहीं है भोलेनाथ जी, वो घरों के लिए खिड़की और दहलीजों की जरूरत है ना, मैं इन्हें ऑर्डर देने के लिए आया था, बस अभी ऑर्डर दिया है। अच्छा दे दिया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आपने तो रबड़ी देवी को लाखों का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, आप तो ग्रेट हो सर जी। पंकज वहां से चला गया। तब केशव भोलेनाथ से, क्यों भोलेनाथ जी, लगता है अंदर आग बहुत लगी है आपको है? बेचारे, इस सीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए पता नहीं आपने कितने पापड़ बेले, लेकिन पंकज जी ने तो बस बेड़ा गर्क ही कर दिया आपका। अब आप क्या करोगे? अरे करना क्या है, अगर रबड़ी देवी दुकान में अकेली है तो इसका मतलब ये है कि गोकुल कहीं शराब पीकर सड़क पर ढेर पड़ा होगा। चलो उसे जाकर मिलते हैं, वो ये दुकान मेरे नाम कर देगा। तभी शराब पीकर लड़खड़ाता हुआ आते हुए केशव को देखकर भोलेनाथ, क्यों भाई गोकुल, तुम्हारे सीमेंट शॉप के लिए तो एक बम्पर ऑफर आया है, हैं? बहुत दिनों से तुम उसे बेचना चाहते थे ना, अब बेचोगे तो खूब पैसे मिलेंगे, तुम और कोई बिजनेस शुरू कर सकते हो, बहुत धनवान बन जाओगे, फिर शहर जाकर कार में मजे से घूम सकते हो, क्यों क्या कहते हो? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सरपंच जी, इसमें जितना मेहनत करो फिर भी एक पैसा नहीं बचता, मेरी पत्नी तो एक रुपए भी नहीं देती है मुझे, मैं उससे आज ही बात करूंगा और कल आपको मैं बताऊंगा। अरे सरकार ये बात बनने नहीं वाली है, अब ये शराबी जाकर उससे पूछेगा तो रबड़ी देवी मानेगी थोड़ी, इसे कौन पूछता है सरकार। ये बात सुनकर गोकुल को बहुत गुस्सा आया। ए, शराबी किसे का? अरे मेरी पत्नी मेरी बात क्यों नहीं मानेगी, मैंने जो लकीर खींचा बस उस लकीर को पार नहीं करती है। अब बताओ कहाँ दस्तखत करना है, कर देता हूँ, कल पैसे लेकर घर आ जाना, ठीक है? कहकर कागज पर दस्तखत करके चला गया। अगले दिन अपने आदमियों को लेकर सरपंच सीमेंट शॉप के पास गया और रबड़ी को गोकुल के दस्तखत किए हुए कागजात दिखाकर उस दुकान पर कब्जा कर लिया। भाई साहब कम से कम वो पैसे दे दीजिए, हम अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। ये क्या कहती हो बहन, वो तो मैंने कल रात को ही दे दिया था गोकुल को, लगता है उसने शराब के नशे में कहीं गिरा दिया होगा, तुम जाओ अपने पति से पूछो, कहकर वहाँ से चला गया। ये सुनकर गोकुल, अरे कमीने मैं अभी तेरी खबर लेता हूँ, मैं तेरी जान ले लूंगा, कहकर बाहर निकलने वाला था, तब रबड़ी ने उसे रोककर, शराब के नशे में एक गलती तो कर चुके हो और हम सड़क पर आ गए हैं, अब उसे मारकर तुम जेल जाना चाहते हो, कहकर गुस्से में वहाँ से चली गई। यूं रबड़ी देवी अपने घर पर कुछ दिन उदास बैठी थी, तभी उसकी बेटी दिव्या उसके पास आई। माँ हमारे पास बहुत सारे मजदूर आए हैं माँ घर बनाने के लिए, तो मैं क्या करूँ, अब मैं भी उनके साथ जाकर मजदूरी करूँ? वैसे जाना ही होगा, तुम्हारे पिताजी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। नहीं माँ हम उन सब के लिए छोले भटूरे बनाकर बेचते हैं, वैसे भी हमारे पास सीमेंट की दुकान तो है नहीं। वाह आइडिया तो बहुत अच्छा है बेटे। फिर गोकुल को बुलाकर, देखो मुझे कल तक एक सीमेंट का बना हुआ चूल्हा चाहिए, लकड़ियाँ चाहिए और छोले भटूरे बनाने के लिए सारे सामग्री चाहिए। अगले दिन गोकुल ने अपने पुराने दुकान के पास छोले भटूरे बनाने के लिए सारा इंतजाम किया। वहाँ पर रबड़ी देवी छोले भटूरे बना रही थी और बाहर खड़े होकर, दिव्या आओ भाई आओ, आ जाओ आ जाओ, मजेदार लजीज छोले भटूरे, आओ खाओ और मजे करो, माँ के हाथ का खाना खाओ बहुत बढ़िया है, आओ भाई आओ, कहकर आवाज देने लगी।
सब मजदूर वहाँ आए, छोले भटूरे खाकर रबड़ी की प्रशंसा करने लगे। यूं देखते देखते रबड़ी के छोले भटूरे का धंधा खूब चल पड़ा। एक दिन रबड़ी देवी के पास केशव और भोलेनाथ आए। भोलेनाथ रबड़ी से, भाई कुछ भी कहो, तुम हो बहुत होशियार। मैंने तो सोचा था कि तुम लोग उस मार को ना सह पाकर गांव छोड़कर चले गए होगे, पर मैं नहीं जानता था कि सीमेंट के दुकान के सामने ही छोले भटूरे का दुकान लगाकर तुम मुझे ही चुनौती दोगे। तभी पंकज वहां आया। भोलेनाथ जी, ये सीमेंट की दुकान आपकी नहीं है, ये रबड़ी की ही है। आप एक और बात भूल गए हैं, शराब के नशे में जो गोकुल ने दस्तखत किए थे वो रजिस्ट्रार ऑफिस में मैच नहीं हुआ। वहाँ आपकी पत्नी बहुत परेशान है। इतना ही नहीं, कुछ ही देर में पुलिस आ रही है आपको गिरफ्तार करने के लिए, गोकुल को धोखा देने के जुर्म में। अब आप ही देख लो। पंकज जी, क्यों डराते हैं आप हमें? मुझे पहले ही ये सब पता था, इसीलिए मैंने उन कागजों को अपने घर पर ही छुपा कर रखा है। तभी पास खड़ा केशव, मालिक आज सवेरे मैं मालकिन को रजिस्ट्रार ऑफिस लेकर गया था, मैं उन्हें वहीं छोड़कर आया हूँ। उन्हें कागजों के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया, इसीलिए मैंने उन्हें कागज दिए और उन्हें रजिस्ट्रार ऑफिस छोड़कर आया हूँ। मालकिन ने कहा था कि ये बात मैं आपको ना बताऊं। अरे कमीने, तूने ये क्या कर दिया? अरे तुम और मेरी पत्नी दोनों मिलकर मेरे जान ले लेंगे एक दिन। अरे चलो चलो भागो, यहाँ से पुलिस आने वाली है, गधे, कहकर दोनों वहां से भाग गए। उस दिन से गोकुल अपने सीमेंट की दुकान को और रबड़ी देवी अपने छोले भटूरे की दुकान को चलाते हुए खूब खुशी खुशी रहने लगे। मैगी पराठा। जैसलमेर नाम के गांव में रामलाल नाम का व्यक्ति अपने दोस्त बालू के साथ मिलकर पराठे का धंधा करता था। क्योंकि उस गांव में एक वही ढाबा था तो लोग वहीं खाने आते थे। एक दिन बालू ने रामलाल को धोखा दिया और रामलाल से उसका होटल छीन लिया। इससे दुखी होकर रामलाल ने शराब पीना शुरू कर दिया। एक दिन रामलाल खूब शराब पीकर घर लौटा। घर लौटकर अपनी पत्नी लक्ष्मी से रामलाल, आजकल तुमने मेरा कदर करना बिल्कुल छोड़ दिया है। मुझे कोई पौष्टिक खाना नहीं खिलाती, ढंग से खाना नहीं खिलाती हो तुम। मैं बहुत पीता हूँ फिर भी मुझ में ताकत नहीं है। क्यों? हाँ हाँ जरूर खिलाऊंगी, उसमें थोड़ा सा जहर भी मिलाकर खिलाऊंगी, सीधा ऊपर जाओगे। पति का कोई कदर नहीं है? देखो, पति से इज्जत से बात करो, अगर इज्जत नहीं मिला तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे तुम जानते भी हो कि तुम क्या बोल रहे हो, लगता है तुम पगला गए हो। अरे तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें धोखा दे दिया तो तुम शराब पीने लगे हा? तो इस हिसाब से मेरा पति मेरा और मेरे बेटी का देखभाल बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए बोलो? अब तुम ही बताओ, शराब ना पियूं तो क्या करूं? अरे मैं बहुत दुखी हूं, मेहनत मैंने की, पैसे मैंने डाले, उसने कहा कि उसके नाम पर धंधा करूंगा तो खूब पैसे कमाएंगे, तो मैंने ऐसा किया, ने मुझे धोखा दिया, क्या यह मेरी गलती थी हा? अरे जो परोठा बनाने का विधि है मैंने उसे सब कुछ बता दिया, अब मैंने समझ में नहीं आता कि मैं क्या धंधा करूं। ये बात सुनकर उसके पास उसकी बेटी आई। बेटी के हाथ में पराठा था, उसे अपने पिताजी के हाथ में देते हुए, बापू ये लो, ये मैगी पराठा है। पराठा को स्पून से काट कर उसमें बीच में मैगी डालकर खाओ तो बड़ा मजा आता है। बापू मैं अपने स्कूल में अपने सारे सहेलियों को खिलाती हूँ, उन्हें ये बहुत पसंद है। तुम ये पराठा बनाओ तो सही बापू, सब आकर तुम्हारे पास ही खाएंगे। तब रामलाल ने अपनी बेटी की बात मानकर वो मैगी पराठा खाया, उसे भी उस पराठे का स्वाद बहुत अच्छा लगा। तब रामलाल ने अपनी बेटी की खूब प्रशंसा की। अगले दिन सवेरे उसने अपनी पत्नी की मदद से अपने घर के बाहर ही एक पराठे की दुकान खोला। उसकी पत्नी पराठा बनाने लगी और ये स्पून से बीच में मैगी भरने लगा।
थोड़ी देर बाद रामलाल की बेटी अपने सहेलियों को लेकर वहां पहुंची। रामलाल ने उन्हें पराठा खिलाना शुरू किया। उन पराठों को खाकर, अरे वाह अंकल जी, पराठा तो बहुत बढ़िया है, कहकर उसकी तारीफ करने लगे। यूं बच्चों के कारण धीरे धीरे आसपास के इलाके में मैगी पराठा की चर्चा होने लगे। नतीजा ये हुआ कि बालू का धंधा एकदम ठप पड़ गया। एक दिन रामलाल बाजार से सामान खरीद कर लौट रहा था, तभी उसके सामने बालू अपने आदमियों के साथ आ खड़ा हुआ। क्यों भाई रामलाल, सुना है कि आजकल तुम बहुत पैसे कमा रहे हो, जरा अपना रफ्तार कम करो तो अच्छा है, वरना तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। ए दगाबाज, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो दोस्त को धोखा दिया, ऊपर से आदमियों को लेकर तुम मुझे डराने आए हो। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। उसने ऐसा कहा तो रामलाल को मारने के लिए वो सब आदमी उस पर टूट पड़े। अपनी बेटी के साथ वहाँ से गुजर रहे एसआई ने ये सब देखा। एसआई वहाँ पहुँचा, एसआई को देखकर बालू, नमस्ते सर। सर देखिए सर, ये रामलाल हमें धमका रहा है, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो ये मुझे धमकाने लगा सर। ए बंद कर ये सब बकवास, क्या मैं नहीं जानता कि तुम कितने कमीने हो, और तुम्हारे साथ ये सब गुंडे खड़े हैं, इनको अपने साथ रख कर तुम मुझसे झूठ बोलते हो हा? देखो तुम सबके लिए ये आखिरी चेतावनी है, अगर तुम में से किसी ने फिर से रामलाल से पंगा लिया तो उसे जेल के अंदर डाल दूंगा, तुम सब कल आकर मुझसे स्टेशन में मिलो, कहकर वहां से चला गया। तब बालू और सारे गुंडे चुपचाप वहां से चले गए। फिर कभी उन्होंने रामलाल से पंगे नहीं लिए। रामलाल मैगी पराठा बेचकर आसपास के गांव में खूब नाम कमाए और पैसे भी।